दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो एसएससी डिपार्टमेंट है, एसएससी डिपार्टमेंट से जो कांस्टेबल जीडी का जो नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, ठीक है। कब से फॉर्म स्टार्ट है, यहाँ पर तो स्टार्ट कर दिया गया है, 27 तारीख से स्टार्ट है। यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है 27/10/2031, ठीक है ना। अब इसको नोटिस देखिए, आप लोग सोचते हैं कि नोटिस कहाँ से आया, ठीक है। तो इसको देखिए ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ऑफिशियल साइट पर ही जारी किया गया है ना। आपको तो ये नहीं कि फेक है, आपको ये इस तरह से नोटिस नहीं दिखाते हैं, है ना। हम लोग जो यहाँ पर जो देखिए ओरिजिनल साइट है इसका, जो ऑफिशियल साइट है एसएससी का, जो ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर देखिए फर्स्ट में 27 अक्टूबर, ठीक है, इसको नोटिस जारी किया गया है। नोटिस लिख रहा है पर जीडी, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे आपको ये ऑफिशियल साइट का नोट लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन का भी अभी को नोटिफिकेशन का भी दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, उससे डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है, इसका जैसे कि एप्लीकेशन का डेट है 27/10 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है 30/11 तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट है देखिए यहाँ पर दर्शाया गया 30/11 तक, है ना। अब इस पर नीचे आएंगे, क्या क्या मांग रहा है, कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें जो है आपको पे स्केल के बारे में बताया गया है, ठीक है। पे स्केल 18,000 से लेकर आपको 56,000 इतना तक होगा, ठीक है। ये आपको वैकेंसी के बारे में बताया गया है, बीएसएफ में कितना है, ये कैटेगरी वाइज बांटा गया है, SC ST OBC कितना है, टोटल कितना है, ठीक है ना। बीएसएफ में इतना है, CISF में है, SSB ITBP में इतना है, इस तरह से इसमें पार्ट बाई पार्ट बांटा गया है, कौन विभाग में कौन सा कैटेगरी में कितना है, ठीक है। तो अपना देख लीजिएगा और आते हैं नीचे और क्या दिया गया है। इसमें बहुत विस्तार रूप से समझाया गया है, ठीक है। नेशनल यूटिलिटी और कैंडिडेट वैकेंसी जरिए अपडेटेड, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एज लिमिट, यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये 5वां नंबर में है एज लिमिट, ये लिमिट खोज रहा है देखिए 18 से लेकर 23 तक, ठीक है। 18 से लेकर 23 तक किया गया है, ऑन 1/1/2023 इतना तक के शुड नॉट हैव द इतना तक के 2000 इतना के बीच में 18-23 साल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर नीचे आएंगे, ये तो एज के बारे में 18 से लेकर 23 तक खोज रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देख रहे हैं एज रिलेक्शन, ठीक है। मान ली यहाँ पर 23 तक खोज रहा है और आपका किसी की आपको उम्र हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उस लिए छूट भी है। देखिए SC ST के लिए 5 साल दिया गया है, मान ली 23 हो रहा है उनको 24 हो रहा है, तो 24 तक 23 तक ले रहा है, तो 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, इसका मान लें उनको 28 तक फॉर्म, जैसे 28 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिर OBC में है तो OBC में 3 साल का छूट दिया गया है, फिर एक सर्विसमैन के में 3 साल के छूट दिया गया है, ठीक है, तो लोग भी भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर नीचे आएंगे और क्या क्या दिया गया है, और यहाँ पे और सबसे नीचे आएंगे, है ना, और यहाँ पर बताएंगे आप लोगों का प्रोसेस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना है, तो यहाँ पर देखिए ओनली फॉर 10th पास मांगा गया है, ये जो वैकेंसी बहुत बढ़िया है ना, 10th पास वाला बच्चा भी भर सकते हैं, ये देख रहे हैं 10th पास लिख रहा है, मैट्रिकुलेशन पासेज मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ओनली फॉर, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ओनली फॉर जो बच्चा 10th पास कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओनली फॉर मैट्रिक में ही ले रहा है। और उसके बाद आगे देखेंगे और क्या क्या दर्शाया गया है, और नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए एनसीसी देखिए एंगेटिंग द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है। और जो जिनको पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो उनको जैसे कि इनका छूट भी मिलेगा 5% के, ठीक है। एनसीसी आएगा उनको 5%, NCC B आएगा तो 3%, NCC A आएगा तो 2%, इस तरह से उनको छूट भी, NCC के सर्टिफिकेट उनको पास रहेगा तो, ठीक है। और उसके बाद नीचे आते हैं, अब यहाँ पर पूछा हाउ टू अप्लाई, मानो ये अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए बताया गया, ठीक है। तो अप्लाई यहाँ पर देखिए लास्ट डेट वो ऊपर में बता दिए आपको, लास्ट डेट है 30/11, ठीक है। और यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी बताया गया है, अप्लीकेशन फ़ी जो बताया गया है पेवल 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया ओनली, ठीक है। तो 100 रुपया उसी आदमी के लगेगा, SC ST या फीमेल रहता है तो लोग का पेमेंट नहीं लगता है, ठीक है। जो OBC जनरल से आते हैं लड़का लोग, उनको 100 रुपया देना होगा, इसका फॉर्म चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बोला है कि ऑनलाइन जो पेमेंट करना है किस माध्यम से करना है, तो बताइए पैड टू द कैंडिडेट, है ना,
यहाँ पर जो बताया गया है हावड़ा इधर कनी पेमेंट थ्रू द चलान चलान से भी करना है, SBI में पेमेंट द कैश ब्रांच SBI, उसके बाद ठीक है ऑनलाइन से भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड ये सब। देखिए फी ऑन द पैड शुल बी डो नॉट विल बी सब्जेक्ट, जैसे कि पेमेंट होने के बाद ही आपको रिफंड, जैसे कि रिफंड अंडर द कोड नहीं बताएगा आपका जो फी वंस द पैड शॉल नॉट बी रिफंड, ठीक है आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा पेमेंट हो गया के बाद ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया, जब भी जैसे ठीक है फॉर्म भरते होंगे तो इसमें तीन को चूज करने के लिए दिया था, तीन को सेंटर के एग्जाम चूज करने के लिए कहाँ कहाँ आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, तो उसी के बारे में बताया गया अपना देख लीजिएगा ठीक है। भागलपुर हो, दरभंगा हो गया, पटना हो गया, पूर्णिमा हो गया, ये सब एग्जाम सिटी के बारे में बताया गया है। और नीचे आएंगे क्या क्या दर्शाया गया है देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए अब एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है ठीक है, यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि एग्ज़ाम जो होगा सब्जेक्ट के बारे में बताया गया सिलेबस ठीक है। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस से होगा 20 नंबर होगा, मैक्सिमम 40 नंबर होगा, 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा, मानो कि एक घंटा का एग्ज़ाम होगा आपको ठीक है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ये सब सब बताया गया एग्ज़ाम के बारे में ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जानेंगे और नीचे आएंगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए फिजिकल इफेक्ट टेस्ट में बताया गया है 5 किलो होना चाहिए 24 मिनट ठीक है, 5 किलोमीटर में है ना, फ्लोइंग द विद विटिंग द पीट में 5 किलोमीटर 24 मिनट होना चाहिए रेस, जो दौड़ होगा आपका 5 मिनट में 24 मिनट मर जाएगा ठीक है। 1.3 फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर ठीक है, ये 8.5 मिनट में मानो कि समझिएगा। उसके बाद अब आएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड में आएंगे ठीक है, हाइट में खोज रहा है, हाइट में खोज रहा है मेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हो जाए, यहाँ पर देखिए दर्शाया गया ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे और नीचे आएंगे क्या क्या दर्शाया गया इसमें, देखिए दोस्त बहुत विस्तार से समझाया गया है ना। और इसमें देखिए चेस्ट में मांगा है ठीक है, चेस्ट ने मांगा है मेल के लिए ठीक है, मेल के लिए मांगा है यहाँ पर अनएसेक्टेड 80 सेंटीमीटर, जिस आपका जो चेस्ट जो होगा बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए ठीक है, एक्सपेंशन ठीक है, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर ठीक है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए ठीक। और नीचे आएंगे यहाँ पर जानेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन, देखिए ये सब चीज़ विस्तार से बताएगा, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिस डाल देंगे अपना देख के समझ लीजिएगा ठीक है। और ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है, 10th पास पढ़ी खोज रहा है ठीक है, सभी लोग बच्चा भर सकते हैं 10th पास पढ़ी ये। और एड्रेस प्रूफ में कुछ देना होगा आपका, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया ये ठीक है। तो इस तरह से नोटिस देख लेंगे अपना और खड़ा सन इंग्रेट को। और यहाँ पर देखिए बताया गया फ़ोटो कैसे डालना है, जो लोग फ़ोटो डालते हैं तो डेट नहीं डालते हैं, तो इसमें पहले नोटिस में हम लोग देख लेंगे कैसे बताया गया है ठीक है। देखिए यहाँ पर फ़ोटो एक्सेप्ट करने के लिए बताया गया है ठीक है, एक्सेप्टेड है, इस तरह से फ़ोटो डालना है तो एक्सेप्ट ले लेगा ठीक है, सिंपल में इस तरह से डालेगा तो नहीं लेगा, यहाँ पर दर्शाया गया है कि इस तरह से फ़ोटो डालना है ठीक है, तो आपको सिंपल फ़ोटो डालना है ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है सिंपल फ़ोटो डालना है ये। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो आने वाला सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके ठीक है। और जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर जो होता है तो आपको फॉर्म भर के ही एक वीडियो बना के बताएंगे ठीक है। जय हिंद।